हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खुश होंगे और ठीक होंगे। जैसा कि हम कल सेकंड लेक्चर जो है उसका कर चुके थे, 8.1 क्लास 9 का। आज हम जो है वो 8.1 क्लास 9 न्यू बुक सिंटैक्स बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, इसमें हम 3 कर चुके थे। अभी हम 4th, 5th और 6th पार्ट आज करेंगे, और मेथड जो था वो रिटर्न ब्रेक फैक्टराइजेशन था। तो आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास x²-2x=0। अब क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो ये रिटर्न ब्रेक होने से रहा, ठीक है। तो दो जब टर्म होती है तो उसको सॉल्व करना इजी होता है बड़े टर्म को। इन दोनों क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ तो रिटर्न होगा, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, x कॉमन ले लेंगे तो बाकी बचेगा x-2=0। देन x=0 या x-2=0। तो यहां पर x=2 क्या आ गया, 2, और यहां x=2 क्या है, 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आया वो आया 0, 2, ठीक है। अब आते हैं हम 5th पार्ट पे। अब क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स हैं और इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो इसका कोफिशिएंट जो है x² का 1 है। तो हमें पता है क्या इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स जिनका सम या जो है सब्ट्रैक्शन वो -2 होना चाहिए और प्रोडक्ट 15 होना चाहिए। तो 3 5 जो है वो 15 होता है। अगर -5 में +3 हम एड कर लें तो -2 आ जाएगा। तो मिनिमम ब्रेक क्या हो जाएगी हमारी, x²-5x+3x-15=0। तो यहां पर पेयरिंग बन रही है यहां पर और यहां। जब 4 टर्म्स होंगी किसी भी सेकेंड डिग्री इक्वेशंस में तो हम 2 का पेयर बना लेंगे। यहां पर x कॉमन है तो यहां बचा x-5, प्लस यहां 3 कॉमन है तो यहां भी x-5 बचा। अब दोनों ये ब्रैकेट सेम है, इट मींस हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की है। तो यहां आ जाएगा x-5 और x+3=0, ठीक है। जैसा कि यहाँ 2 प्रोडक्ट लिखे हैं ये 0 के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x-5 भी 0 हो सकता है, यहाँ x+3 वो भी 0 हो सकता है। तो हम लिखेंगे x=5, देन x=-3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट -3 और 5, ठीक है। अब देखते आ रहे हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 ही रूट्स होंगे। देखिए यहां भी 2 हैं और यहां 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हमेशा 2 ही होंगे, एक हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर तो है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब यहां देखें शॉर्ट ट्रिक क्या थी, जब यह -2 था तो +5 और -3 होगा, ठीक है। अगर यहां +2 होता तो यह नेगेटिव और पॉजिटिव होता। तो बिल्डअप ब्रेक में हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो है वो सम ऑफ रूट होना चाहिए और ये प्रोडक्ट रूट्स। तो देखिए अगर मैं यहां लिखा है -15, ठीक है, तो -15 का मतलब है कि 3 और 5 में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। तो 3 को माइनस होना चाहिए था, क्योंकि अगर -3 क्यों होना चाहिए था, क्योंकि +5 में अगर -3 होता है तो +2 बचता है, जो कि यहां लिखा हुआ है। ये माइनस क्या है, फार्मूला क्या है जो हमें ऑलरेडी पता है। तो ये जो होता है वो सम ऑफ द रूट्स होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। याद है, क्लियर है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी तरीके से हम समझ रहे हैं और बहुत इजी एक्सरसाइज है और कोई इशू नहीं है इसमें। अब आते हैं 6th पार्ट पे। अब यहां पर क्या है, x² का कोएफिशिएंट 12 है, पॉजिटिव 1 नहीं है, तो यहां पर ये टेक्निक नहीं लगने वाली। तो हम क्या करेंगे कि 12 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 24 से, ठीक है, 12 × 24 जो होता है 2 8, ठीक है, 288 हो जाता है। अब हमें -41 या ये बोले कि 41 को इस तरह ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो 288 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तो 41 आ जाए। तो हमें पता है कि भाई 32 × 9 वो भी 288 होता है, और 32 में अगर 9 प्लस करते हैं तो 41 आ जाता है। तो हम यही करेंगे यहां पर कि 12x²-32x-9 + 24=0।
क्योंकि माइनस 32 और माइनस 9 सेम साइन है तो ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 41। यहां पर कॉमन और यहां पर भी कॉमन, 12 32 को टेबल लगता है 4 का, अगर 6 का लगाते हैं 12 को तो 32 को नहीं लगता, ठीक है, तो 4 का टेबल जो है इनको लग रहा है, 4 भी कॉमन है 12 और 32 को, x स्क्वायर और x में कॉमन क्या आएगा x, क्योंकि वेरिएबल में हमेशा कॉमन वही आता है जिसकी पावर कम हो, एटलीस्ट तो कम से कम हो, देखिए यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है तो कॉमन वही आएगा जिसकी पावर छोटी होगी, तो अब 12 को 4 का टेबल लगता है 3 टाइम्स और x स्क्वायर में x दिया बाकी x बचा, माइनस 4 का टेबल 32 को लगता है 8 टाइम्स, ठीक है, माइनस अब 9 और 24 का टेबल लगता है 3 का, ठीक है, तो 3 का टेबल कॉमन आ जाएगा, जो भी कॉमन वही होता है जो टेबल कंप्लीटली उसको डिवाइड करे, हमें कॉमन वही टेबल लेना है या वो टेबल लेना है जो क्या हो कंप्लीटली डिवाइड हो, अगेन एंड अगेन जो है हमें डिवाइड नहीं करना, समझ लो पहले बच्चों, तो 3 कॉमन आ गया यहाँ क्या बचेगा 3x, ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, सेम इसको लगेगा 8 टाइम्स, अब देखिए ये दोनों नंबर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, ब्रैकेट से अरिथमेटिक हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही किए एक्यूरेट किए, तो ये आ गया 3x 1 से देन 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अब यहां 3x माइनस 8 इक्वल टू 0 है या 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, माइनस 8 वहां जाके 8 हो जाएगा या बचा 3x, इस तरह 3 यहां क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 8 से वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाय 3, अब क्योंकि ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा हमें वल्गर या मिक्स फ्रैक्शन में लिखना लाजमी होता है, मीन्स यहाँ न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमें पता है कि 3 का टेबल 2 टाइम्स आएगा 6, डिनोमिनेटर बचा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास जवाब x = 2 होल 2/3, यहां पर क्या होगा 4x = 3 देन x = 3/4, अब क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम क्या करेंगे वल्गर या मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया इसका, एक आ गया 3/4 और दूसरा आ गया 2/3, ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास हो चुके हैं, अब आगे जो इसके 2 पार्ट्स हैं वो भी हम करने वाले हैं, इसका जो 7th और 8th पार्ट है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 8 पार्ट 1 क्लास 9th से टेक्स्ट बुक पर का कंप्लीट हो जाएगा, अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 के वो पार्ट 7 और 8 अब करने जा रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के जो है फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, अब इसका मेथड थोड़ा चेंज है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन x माइनस 5 और स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको ओपन करें a माइनस b और स्क्वायर से, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 टेन एक्स प्लस 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स 25 माइनस 9 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें मिडिलटर्म ब्रेक से, तो 16 ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको हम क्या करें मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए और एड अप करें तो 10 आ जाए, तो सिंपली 2 एंड 8 ही है, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यहां और यहां पर कॉमन क्या आ जाएगा x, यहां x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बचा, यहां 8 कॉमन तो यहां x माइनस 2, क्योंकि ये माइनस आने इस प्लस को माइनस कर देगा, तो यहां पर हमारे पास जवाब आ गया x माइनस 2 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट 2, 8, ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट जो क्वेश्चन वन का पार्ट, अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूं कि ये दूसरे मेथड से किस तरह होगा, और अगर हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक न करें इसको एक्सपेंड न करें इसको किया है तो किस तरह हो सकता है,
सेम, तो इसको मैं थोड़ा दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको कि ये दूसरे मेथड से भी हो सकता है। तो हमें पता है कि 3x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस 16 को अगर हम राइट साइड मूव करें तो पॉजिटिव हो जाएगा ये 3x प्लस 4 एंड होल स्क्वायर। अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिखेंगे, फिर हमें नहीं पता अब वजह क्या है कि यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, रीजन क्या है। तो रीजन यहाँ ये है कि हमें नहीं पता कि 16 जो है वो माइनस 4 का स्क्वायर होके आया यहाँ प्लस 4 का, क्योंकि माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है और प्लस 4 का भी 16 ही होता है। तो हमें यहाँ टेंशन नहीं लेना, तो ये माइनस प्लस क्यों लिखते हैं इसका रीजन भी पता होना चाहिए। जो चीज भी हम मैथमेटिक्स में करते हैं उसका रीजन लाजमी पता होना चाहिए, इसमें वजूहत होती हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा, ये हो गया 3x प्लस 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर 4 होता है। अब हम इसको लिख रहे हैं कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 एंड 3x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। अब 4 ये प्लस 4 आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 0, देन x इज इक्वल टू 0 ओवर 3, 0 ओवर 3 इज 0। यहां क्या होगा, माइनस 4 और माइनस 4 ये प्लस 4 आ जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 8, यहां 3x, अब क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो 3 वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब सेम यहां प्रीवियस क्वेश्चन जो था कि यहां जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है डिवाइडर बड़ा है, तो 3 2 6 और यहाँ बचेगा 2 ओवर 3, ये लिखना लाजमी है, ठीक है। सोल्यूशन अगर क्या हो प्रॉपर हो तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 0 -2 ओवर 2 ओवर 3। तीसरा हमारा एक्सरसाइज जो है पर मन, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट थे 8 वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मतलब हम यहाँ जो है क्वालिफिकेशन का फर्स्ट मेथड जो था मिलड्रम ब्रेक, यहाँ ये बोलेंगे फैक्टराइजेशन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दूसरा मेथड है जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही तो इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और जितने भी आने वाले वीडियोस होंगी वो आपको पहुंच जाएंगी, और जैसे ही आपको उसको क्लिक करेंगे तो वीडियोस आपके सामने होंगी और उसको देख सकेंगे, और आप जो है मैथमेटिक्स को इजी वे से समझ सकते हैं। और हमेशा खुश रहें, और दुनिया में जो है अगर जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारनी है तो खुश रहना सीखें, कोई भी हालात हैं उसमें खुश रहें, क्यों अगर खुश रहेंगे तो जो तकलीफें हैं वो खुद ही रिमूव या डिलीट हो जाएंगी आपकी जिंदगी से। तो उम्मीद है आप खुश रहें, और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।